नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। मंसूचक प्रखंड के गोविंदपुर एक पंचायत के वार्ड नंबर 2 स्थित गांव में संतोष राम की पत्नी शिवानी का शव संदेहास्पद स्थिति में फांसी के फंदे पर लटका मिला। गांव के लोगों ने बताया कि गोविंदपुर वार्ड 2 निवासी शकी चंद्र राम का 28 वर्षीय पुत्र संतोष राम ने समस्तीपुर जिला के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के पम्बैया गाँव के प्रमोद कुमार पोद्दार की 22 वर्षीय पुत्री शिवानी कुमारी के साथ प्रेम प्रसंग के तहत प्रेम विवाह न्यायालय में जाकर 2021 में कर लिया। उस दिन से शिवानी अपने पति के साथ गोविंदपुर में रहने लगी। इसी बीच एक पुत्री गुनगुन कुमारी का जन्म हुआ, जो फिलहाल 1 वर्ष 6 माह की है। ससुराल में शिवानी अपनी सास ससुर से अलग रहती थी। पति ऑर्केस्ट्रा ट्रॉली पर गाने बजाने का काम किया करता है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि शिवा संतोष अपनी पत्नी शिवानी से कहकर काम करने निकल गया। दिन के करीब 1 बजे शिवानी को फांसी के फंदे पर झूलते देख बगलगीर घर के लोगों ने मोबाइल पर संतोष को सूचना दिया एवं शिवानी के माता पिता भाई को भी इसकी जानकारी दे दिया गया। सूचना पाते ही सभी लोग गोविंदपुर एक पंचायत के वार्ड नंबर 2 संतोष कुमार राम के घर पहुंच गया। संतोष ने पत्नी को मृत देख भाग निकला। इसी क्रम में मंसूचक थाना की पुलिस भी पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया है। शिवानी के भाई एवं अन्य मायके के लोग ने बताया कि जानबूझकर शिवानी की हत्या पति देवर अन्य लोग मिलकर कर दिया है। शिवानी 3 माह की गर्भवती भी थी। मृतक शिवानी के भाई का कहना है कि मेरी बहन बराबर मेरे मोबाइल फोन पर मारपीट करने का शिकायत ससुराल वालों का किया करती थी। मृतक शिवानी को देखने लोगों की हुजूम लग गया। लोग तरह तरह की बात कर रहे थे। अब देखना है यह है कि उक्त घटना की सच्चाई को पुलिस प्रशासन कहां तक उजागर करने में सफलता हासिल करती है। समाचार प्रेषण तक प्राथमिकी दर्ज की प्रक्रिया चल रही थी। की केना भेले हाथ बगल के छिए की केना मामला भेले से कोठी पर रह रहिए बोले लिखिन एलिए तब कल के बोले लिखिन ई गोतनी अर कलखिन जे देखो ने से कनिया एना भए गेले हन से कलके संतोष प्रोग्राम में है आ ई कनिया से केना केना ताला सरकार से मारले है प्रोग्राम में से एलखिन ताला तोड़ के के तो देखै छथिन गर्दन बने है की करने तोरा वा ताला काम को देखै पहले लक्ष्मी आय कोई भी आदमी को कुछ भे जाए घटना तो हदस भे जाए तो पोचा है एकदम पूरे तो उन्ने अलग उन्ने गिरल ससुर बाहर हुआ गिरल कोई सहरे नहीं जर रह लक्ष्मी लक्ष्मी तो कोई नहीं रहना केला पकेना खाना टोला समाज सब छथिन 8 बजे गेले दूध दै ला दूध दै ला 10 बजे घर माय से बतले रहे तकर बाद की भेले एकरा से हरत से दुल्हो नै रह कोई चीज के कर दूध दै ला सुभांगी के बहिन आ दूध अकेले रह रखिन ना अकेले रह रखिन कोई नै बस बच्चा पर सब रह रह बच्चो कलखनी जे चल जो दादी जा दादी हियां चल जी सब हियां की नाम भेल अहाँ के हमर नाम अनिल आ गए आ मृतक के नाम अब नै हमरा पता शिवानी शिवानी कितना उम्र होते हैं इनका उम्र 21-22 साल हमने रहे छे वहाँ पर गए तो पूरा घर मतलब पुलिस साथ चेकिंग किया था वहाँ पर पर्दा हटा के देखेगा होम थिएटर का फुल आवाज था होम थिएटर ऑन था सब चीज़ कनेक्ट था और जता कुछ नहीं था अब ब्लड थोड़ा ब्लड आर तो नहीं था वहाँ पे मतलब कपड़ा आपदा दूरा शादी कितना साल पहले हुआ था 2 साल पहले हुआ था 2021 में हुआ था 2021 में शादी हुआ था क्या बाल बच्चा था मृतक एक लड़की हो चुका एक पेट में बोले अभी मतलब गर्भवती थी शांत रहिए क्या साल 2021 में शादी हुआ 2021 मेरे पास कोर्ट मैरिज का जितना कागज सब मेरे पास मतलब लव मैरिज शादी हुआ लव मैरिज शादी हुआ अच्छा हाँ मतलब अभी मैं अपनी दीदी से बात करवा दूंगा मतलब उसको धमकी दिया गया था मतलब मारपीट के बारे में तो बताएगा हम जो पूछ रहे हैं पहले सो बताइए लव मैरिज शादी 2021 में हुआ हाँ लड़की का क्या नाम है शिवानी कुमारी उसके पिताजी का प्रमोद कुमार पोद्दार प्रमोद कुमार पोद्दार कहाँ घर है लड़की बम्बैया हरलाल बम्बैया वार्ड नंबर 1 एक थाना कौन सा पड़ता है थाना दलसिंहसराय आ जहाँ शादी हुआ था उस लड़का का क्या नाम है संतोष कुमार संतोष राम संतोष राम हाँ और लड़की जो थी दूसरे कास्ट की थी हाँ
लड़का दूसरा कास्ट था। क्या बाल बच्चा है? एक। लड़की का क्या नाम है? शिवानी कुमारी। कितना उम्र होगा उसका? 22 लगभग। 22 साल। हाँ। और ये जो लड़की है उनका कितना उम्र है? डेढ़ या एक साल के लगभग। डेढ़ साल की लड़की है लगभग में। अभी मतलब महिला गर्भवती थी। हाँ। पोस्टमार्टम हो के आ गया? अभी तो आया जस्ट। रिपोर्ट आपका क्या, क्या नाम? मुझे क्या कहना, मैंने आपका क्या नाम है? शुभम कुमार। आप मृतक के कौन हुए? भाई हुए। क्या मामला है पूरा? पूरा मामला मतलब पता चलता है, मतलब कभी कभी फ़ोन करते हैं तो बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है और मारपीट में मतलब क्या बोलते हैं उसको, लड़ाई झगड़ा हुआ मतलब घर पर फ़ोन करती थी बताती थी और कुछ नहीं। और मतलब अगल बगल से हम सुने कल, मतलब इसको कल गाना बजा के फुलावा थे क्या मारा गया है, और मतलब इतना ही बताया गया, बोला था कि इस माजर का मार के फेंक दे, बस नहीं हमको पता चला यहाँ से। और मतलब लगभग मैं 10 बजे हम कल 10 या 11 बजे के बीच में फ़ोन की थी हमको, और मैं सबको बात करवा दी, अच्छे से बात कर ली। उसके बाद मेला देने के बारे में जो हुआ, तो उसके बाद मेरे को 4 बजे कॉल आता है, बोलता क्या आप आइए घर पर, आपको कुछ काम है, मतलब वहाँ बोले पापा से पूछे तब आएँगे, वहाँ पापा से पूछे तो पापा पता किए, तो बस इसी बात है, तो वहाँ पर गए थे हम। घर पर कोई नहीं रह रहा किन? आपका कहने का मतलब यह है कि इसको मारा गया? हाँ, इसका मारा गया। लेकिन यहाँ पर जो ग्रामीण है उनका कहना है कि जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा ना हुआ, यहाँ पर कोई थे ही नहीं, अपना बताए ले कुछ भी कर सकता है, ठीक है? पता करने के बाद क्या है, घर में कोई नहीं है, भाभी भैया नहीं थे, कौन? अच्छा एक मिनट, इसका निशान देखिए गर्दन पे, दोनों बगल देखे तो कनपट्टी के नहीं चिरा हुआ है ना, नाखून पर चिरा हुआ ना, नाखून का खेला नहीं चिर सके, ठीक है?